देखिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में हमेशा की तरह आज भी हम जनता दरबार में बैठे हैं और हमारे साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा के दो बार के रहे विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर बलवंत सिंह मनकोटिया साहब मेरे साथ हैं और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता अजय भारती जी जो पूर्व पहले MLC भी रहे हैं। आज हमारा ये यहाँ पर दायित्व बनता है कि हम लोगों की समस्याओं को सुने, उनका समाधान करें। लेकिन आज आप देखें, अगर पीछे कैमरा लगाकर देखेंगे तो आज जनता कुछ ज्यादा है। कारण है क्योंकि नितिन गडकरी जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करके निकले हैं और जम्मू कश्मीर को उन्होंने बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं। 75,000 करोड़ रुपए के काम जो है वो जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं, चल रहे हैं, एक के बाद एक काम जो है वो बढ़िया से बढ़िया हो रहा है। कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं नबार्ड के माध्यम से रोड बन रहे हैं, कहीं अपने CRF के माध्यम से बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं। तो विशेष तौर पर ये जो अपना जतवाल और वहां से भी लोग आए हैं, उन्होंने आभार प्रकट किया है कि उनकी जो वहां पर डिमांड थी वो डिमांड जो है वो पूरी हुई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया भी कि अब लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नितिन गडकरी जी ने जो मान लिया कि रोड लोगों की सुविधा के लिए बना रहे हैं, फ्लाईओवर लोगों की सुविधा के लिए बना रहे हैं, तो लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर और अमृतसर से फिर ये जो हमारा एक्सप्रेस हाईवे कटरा तक जा रहा है, जिसका बड़ी तेजी के साथ काम चल रहा है, बहुत जल्द ये भी कंप्लीट होगा। और जम्मू शहर के आसपास जितने भी हमारी जो मुद्दे थे, काम थे, हमारी जो मांग थी, वो सारी लोगों की मांगें पूरी हुई हैं। बतौर सांसद हमें ये इस बात की खुशी है, जिस जिस मुद्दे को हमने लोकसभा में उठाया वही काम जो है, वही प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन होकर जम्मू में आया और उसका जोर शोर से काम जो लगा है। और उसके अलावा भी यहाँ पर लोग जो आते हैं, कोई ट्रांसफर लेकर आता है, कोई ट्रैक्टर रोड लेकर आता है, कहीं किसी को रोड की जरूरत होती है, कहीं और परेशानी होती है कई किस्म की, तो सब हम मिलकर उन सारी परेशानियों का समाधान जो है वो करते हैं। ये क्रम जारी है, हम भारतीय जनता पार्टी के आभारी हैं कि जिन्होंने ये क्रम जारी किया है। सोमवार से लेकर शनिवार तक हर दिन कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर जो है वो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए बैठता है। ये बहुत ही अच्छा मैसेज जो है वो आपको आपके परिवार के सिद्रा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं, आप अपने परिवार के साथ इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय कीजिए।